हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा और उसको हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें से 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 10 क्वेश्चन दिया है, उसमें से हम लोग को फाइंड करना है कौन सा जो सेट का एग्जाम्पल है और कौन सा सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसी के साथ हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में पढ़े थे लाइक नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर ईटीसी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये फाइंड करना है कि कौन सा एग्जांपल जो है वो सेट का एग्जांपल है। सेट मींस उसके अंदर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मींस एलिमेंट आना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बात करें तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ अ लेटर जे। तो ऐसा वर्ड, ऐसा लेटर जो जे से स्टार्ट होता है और वो लेटर कहाँ का होना चाहिए, वो मंथ, ईयर का मंथ होना चाहिए, मीन्स मंथ का नेम होना चाहिए। तो जो जे से स्टार्ट हो, यानी जे से क्या होगा, जनवरी होगा, जे से जून होगा, जे से जुलाई होगा। तो ये सारे, ये तीन जो है जनवरी, जून एंड जुलाई, ये सारे मंथ का, ईयर का मंथ है, मंथ का नेम है, और ये जो है जे से स्टार्ट होता है। तो ये सारे सेट होंगे, मीन्स ये जो एग्जाम्पल है वो सेट का एग्जाम्पल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे जरूर। ठीक है, तो ये सेट का एग्जाम्पल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यानी हम लोग के भारत में, इंडिया में जितना भी राइटर है उसमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो हम लोग अगर उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा टैलेंटेड राइटर है 10, तो मेरे हिसाब से कोई और मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा और आपके हिसाब से कोई और मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा। तो इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किसको हम लोग सेट के अंदर लेंगे, किस राइटर को हम लोग सेट के अंदर डिफाइन करेंगे, तो ये एक सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितना भी बैट्समैन है, क्रिकेटर है, उसमें से ओनली 11 टीम, 11 प्लेयर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 11 प्लेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 11 प्लेयर जो बेस्ट है वो मेरे हिसाब से कोई और बेस्ट होगा। मान लीजिए मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर या फिर धोनी या फिर विराट कोहली, ये सब बेस्ट होगा। ठीक है, बट किसी और के हिसाब से या फिर अमेरिका में रहने वाले के, किसी भी क्रिकेट देखने वालों के हिसाब से कुछ और भी प्लेयर जो होगा वो बेस्ट होगा। तो इसको भी हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग सेट के अंदर लिख नहीं सकते हैं कि कौन सा मोस्ट बेस्ट प्लेयर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी बॉयज है उनका कलेक्शन। तो आपके क्लास में जो भी बॉयज होगा वो डेफिनेट होगा, ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉयज है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो सेट का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बॉयज है वो सेट के अंदर हम लोग उसको लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यानी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 100 से कम होना चाहिए, 100 से नीचे होना चाहिए। तो 100 से नीचे 99, 98, 97, ये 1 तक जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। बट ये लेस देन 100 बोला, ये मीन्स 100 से कम। तो ये भी सेट का एग्जांपल होगा। फिर है 6 नंबर कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मतलब नोवेल रिटन बाय, नोवेल ऐसा नोवेल जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखे है। तो इसका कलेक्शन क्या होगा, सेट का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसमें जो भी मुंशी प्रेमचंद ने नोवेल लिखा है वो डिफाइन होगा, डिफिनिट होगा, उसको हम लोग सेट के अंदर लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का कलेक्शन, तो हम लोग इवन इंटीजर को भी लिख सकते हैं। लाइक अगर हम लोग लिखेंगे इवन इंटीजर, तो इंटीजर होता है, मान लीजिए एक सेट ए लिए, इसके अंदर हम लोग एलिमेंट लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये इवन है और साथ ही साथ इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा, सेट का एक एग्जाम्पल होगा, बट ये इनफाइनाइट सेट है, बट सेट है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 8 देखेंगे तो द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में अगर हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं और इसको हम लोग सेट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, सेट का एग्जांपल होगा। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, इसका बोल रहा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितना भी एनिमल है उसमें से मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो कौन सा मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा उसको हम लोग सेट के अंदर लिखना है। बट ये लिखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मोस्ट डेंजरस एनिमल मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है और आपके हिसाब से कोई और होगा, इसलिए इसको सेट में डिफाइन करना मुमकिन नहीं है, तो ये सेट का एग्जांपल नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, लेट ए, ए एक सेट दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद बोल रहा है कि इंसर्ट बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। मतलब कि ये सारा क्वेश्चन में हम लोग को फिल करना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू के बारे में पढ़ चुके हैं, मीन्स वैसा एलिमेंट जो सेट में बिलोंग करता है, यानी उस सेट के अंदर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू, और वैसा एलिमेंट जो उस सेट के अंदर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन है 5 blank A। तो 5 जो है वो A के अंदर आ रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो 5 जो है यहाँ A के अंदर आ रहा है, A सेट के अंदर, तो इसमें हम लोग साइन देंगे बिलोंग्स टू का। ओके,
उसके बाद हम 8 देखेंगे तो 8 इसके अंदर नहीं आ रहा तो यहाँ पर होगा डज नॉट बिलोंग टू, फिर 0 भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर आएगा डज नॉट बिलोंग टू, 4 यहाँ पर आ रहा तो 4 में आएगा बिलोंग्स टू, देन यहाँ पर 2 है, 2 इस सेट में आ रहा तो ये होगा बिलोंग्स टू, देन फाइनली यहाँ पर 10 है जो कि 10 इस सेट में नहीं है तो यहाँ पर होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके डज नॉट बिलोंग टू। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को फाइंड करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारा तीन क्वेश्चन दिया हुआ, पहला सेट ए है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स का जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर देन एंड 7 से लेस देन होना चाहिए। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म मीन्स इसका जो एग्जैक्ट एलिमेंट आएगा वो हम लोग को इस सेट के अंदर लिखना है। तो पहला का सॉल्यूशन हो जाएगा सेट ए इक्वल टू एक्स का वैल्यू को लिखना है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, पहला तो ये बोल रहा है कि इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मीन्स होता है वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी और जीरो भी, मीन्स -1 -2 -3 और ये 0 फिर +1 +2 +3 या इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू है -3 तो यहाँ पर हम लोग -3 लिखेंगे, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये -3 को नहीं लिखेंगे, -3 से ग्रेटर देन मीन्स -2 को लिखेंगे, फिर -1 देन 0 देन 1 2 3 4 5 6 देन यहाँ पर 7, बट 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स ये 7 तक नहीं पहुँचेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। फिर क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें दिया हुआ बी सेट जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, 60 का डिवीजर होना चाहिए और एज वेल एज प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो 60 का डिवीजर अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो 1 आएगा 2 आएगा, 1 का टेबल में भी 60 आता है, 2 3 4 5 6 उसके बाद आएगा 10 उसके बाद आएगा 12 फिर आएगा 15 15 4 60 उसके बाद 20 और देन 30 और 60। तो ये सारा हो जाएगा 60 का डिवीजन, बट इसमें से हम लोग को वो नंबर लिखना है जो प्राइम नंबर है। तो बी के अंदर एलिमेंट आएगा तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, देन यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम है तो 5 को लिखेंगे, उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 20 भी, 30 भी और 60 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ओनली यहाँ पर 2, 3 and 5 आएगा जो कि प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवीजर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें लिखा हुआ सी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी लेटर है उसका सेट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा लेटर आएगा, तो इसमें से आएगा टी, फिर आएगा आर, फिर आएगा आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, एन के बाद ओ आ रहा है यानी ओ रिपीट कर रहा है, तो रिपीट वाला लेटर को हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे ई, देन टी, टी बट यहाँ पर पहले लिख चुके हैं तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके बाद आर, आर को भी लिख चुके हैं तो उसको भी नहीं लिखेंगे, देन लास्टली यहाँ पर बचा वाई, ओके। तो ये हो जाएगा सेट सी इसमें जिसके अंदर एलिमेंट आएगा जो कि वर्ड ट्रिगोनोमेट्री से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस बार हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मीन्स जो भी इसमें वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे इसका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3, 6, 9 और 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग एक सेट बना लेंगे, मीन्स एग्जाम्पल फॉर एक सेट ए लिख दिए जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स है 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एक्स क्या है, 3 का मल्टीपल है, बट यहाँ पर x का वैल्यू 3 से 12 तक ही है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एंड जो x है वो 3 के बराबर और 3 से क्या है, बड़ा है, एंड एज वेल एज वो 12 के बराबर और 12 से छोटा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 से 12 तक ही गया है और एज वेल एज x जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बी सेट का जिसके अंदर एलिमेंट आएगा x सच दैट x, x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू n का पावर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 5 है यहाँ पर, मीन्स 5 का पावर 1 है, फिर 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर n, ठीक है, मीन्स 5 का पावर n। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एंड n जो है, n क्या है, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 1 से, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2, 3, 4 यानी 1 से 4 तक गया है। यहाँ पर अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25 आएगा, ऐसे ही यहाँ 4 तक रखेंगे तो आएगा वैल्यू 625।
यानी एन का वैल्यू जो है वो वन से गया है फोर तक, ठीक है, एन का वैल्यू वन से फोर तक गया है, तो इसका ये सॉल्यूशन होगा जहां पर एक्स जो होगा इक्वल टू होगा फाइव का पावर एन एज वेल एज एन का वैल्यू वन से फोर तक गया है, मीन्स इसका एन का वैल्यू वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखने को देख सकते हैं हम लोग कि पहले एक एग्जाम्पल लेंगे सेट का सी, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज, यहाँ पर हम लोग देखेंगे टू फोर सिक्स डॉट डॉट ऐसे गया, मतलब ये इनफाइनाइट तक गया है, तो एक्स इज इवन नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इवन नंबर, या फिर लिख सकते हैं एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू, ये भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स इज अ इवन नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर का ये सेट है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे तो इसमें आ रहा है वन फोर नाइन, ये हंड्रेड तक गया हुआ है, तो इसमें अगर एक सेट डी मान लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट आएगा एक्स सच डैट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वन का पावर वन करेंगे तो वन आएगा, फिर टू का पावर टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, फिर थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा, देन यहाँ पर टेन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हंड्रेड आएगा, तो एक्स इक्वल टू वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एंड एन का वैल्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे, एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया है, तो एन का जो वैल्यू है वो वन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर टेन तक खत्म हो रहा है, क्योंकि टेन का स्क्वायर करेंगे तो हंड्रेड आएगा, तो यहाँ पर कहाँ तक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन से, तो यहाँ पर लिखेंगे वन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू हंड्रेड। ओके, मीन्स यहाँ पर एन का वैल्यू वन से बड़ा है और हंड्रेड से, सॉरी यहाँ पर टेन होगा, टेन से छोटा होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी जितना भी सेट दिया हुआ है उसमें जितना भी एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग को लिस्ट करना, मीन्स उसको लिखना है, ठीक है। तो पहला होगा ए इक्वल टू, ए के अंदर क्या दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए बट ऑड भी होना चाहिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा वन थ्री, ये सारे नंबर ऑड है एज वेल एज नेचुरल नंबर, वन थ्री फाइव, उसके बाद आएगा सेवन, फिर नाइन, फिर इलेवन डॉट डॉट, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, इन्फाइनाइट का इन्फिनिटी का साइन दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग देखेंगे कि एक सेट दिया हुआ है बी, बी सेट के अंदर लिखा हुआ है क्या एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर होना चाहिए और साथ ही साथ एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू से बड़ा और नाइन बाई टू से छोटा, माइनस वन बाई टू का हम लोग लिख सकते हैं जीरो, माइनस में जीरो पॉइंट फाइव, एंड नाइन बाई टू को लिख सकते हैं जीरो, सॉरी यहाँ पर आएगा फोर पॉइंट फाइव, ठीक है, नाइन बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं फोर पॉइंट फाइव, तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव से फोर पॉइंट फाइव के बीच में जो भी इंटीजर होगा वो हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव से बड़ा इंटीजर होता है जीरो, देन वन, देन टू, थ्री और यहाँ फोर तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, एक सेट सी दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो फोर से इक्वल या फिर उससे कम होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर एक्स का जगह हम लोग वन रखेंगे, सबसे पहले हम लोग जीरो रखेंगे, तो एक्स का जगह जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जो होगा वो जीरो होगा और वो फोर से छोटा होगा, तो हम लोग एक्स का जगह जीरो रख सकते हैं। फिर अगर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर क्या होगा वन होगा जो कि फोर से छोटा होगा, और इसके साथ अगर माइनस वन रखेंगे तो इसका वैल्यू भी वन ही होगा जो कि फोर से छोटा होगा। फिर टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर क्या आएगा फोर आएगा जो कि फोर से छोटा नहीं है बट बराबर है, तो इसको भी लेंगे, और अगर इसके साथ अगर माइनस टू लगाते हैं तो उसका वैल्यू भी फोर आएगा जो कि फोर के बराबर है। बट इससे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्री करेंगे तो थ्री का स्क्वायर क्या आएगा नाइन आएगा जो कि फोर से बड़ा है, और माइनस थ्री का स्क्वायर भी नाइन आएगा जो कि फोर से बड़ा ही है। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा पहला जीरो, तो जीरो को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस वन, फिर माइनस टू, उसके बाद वन, देन टू, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस टू माइनस वन जीरो वन एंड टू। फिर क्वेश्चन नंबर फोर को अगर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर सेट दिया हुआ डी सेट, इसके अंदर लिखा हुआ एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, तो लॉयल में जितना भी लेटर है उसका सेट हम लोग को बनाना है, तो इसके अंदर आ जाएगा एल ओ वाई ए, उसके बाद जो लास्ट में ए एल आ रहा है वो रिपीट कर जा रहा है, और हम लोग को कोई भी सेट के अंदर रिपीट वाला लेटर नहीं लिखना रहता या फिर रिपीट वाला एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखा जाता सेट के अंदर, इसलिए इसका आंसर होगा एल ओ वाई ए। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का, और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में बीच में डाउट होगा तो उसको कमेंट कर दीजिएगा।